दोस्तों क्रूड ऑयल का एक अपना ही चाल है और लास्ट वीक क्रूड ऑयल ने उस चाल को मेंटेन किया, डबल बॉटम बना के अपसाइड में रेजिस्टेंस को भी चेस किया और डाउन साइड के सपोर्ट को भी बड़े प्रेम से हिट किया। बट आपको हर एंगल पे क्रूड ने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर आप लोगों ने काम किया होगा तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड भी दिया होगा क्रूड ने, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्रूड के चार्ट को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि अपकमिंग वीक में क्रूड हमें किस महीने से अच्छा लगता है, किस महीने से खराब लगता है, क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग रणनीति। ऑफ टू द चार्ट्स दोस्तों। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। देखिए दोस्तों क्रूड का 4 आवर का चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में ये जो जोन है 6800 के क्लोज का, ये जोन क्रूड ऑयल में बहुत ही वाइटल सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग देखेंगे तो दीज आर द जोन्स जहाँ के भी क्रूड एक बार थक भी रहा है। यहाँ पे क्रूड ऑयल को एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी मिल रहा है। बट अभी क्रूड ऑयल रेडी हो गया है, एमएसीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, आरएसआई भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर चुका है एंड क्रूड ऑयल ने बहुत झटका झटका खा खा के टकरा टकरा के बॉलिंगर बैंड पे टकरा टकरा के इसके मिडिल बैंड का ब्रेकआउट दे दिया 4 आवर्स के चार्ट पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जोन बनता है बॉलिंगर बैंड का, ये अपर बैंड बनता है जो कि 7380 पे है। अब अगर हम लोग आवर्ली चार्ट देखें, आवर्ली चार्ट में देखिए वही कहानी है। देखिए बॉटम बना के बॉटम बना के इस रेंज से जो ये जो एक रेंज बना दिया था ना क्रूड ने, दिस वाज द रेंज, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ का स्टॉप लॉस देना है 7080 के नीचे का। अगर मंडे को एक पॉजिटिव कैंडल मिलता है तो 7080 के नीचे का स्टॉप लॉस दीजिए एंड क्रूड को एक टारगेट जो है इस जोन का टारगेट के लिए आप आई कर सकते हैं बिकॉज टेक्निकल इंडिकेटर्स आर फेवरेबल एंड दे आर गिविंग अ मोमेंटम सिग्नल इन टू क्रूड ऑयल, ठीक है। या आप अपना कोई भी ट्रेडिंग रणनीति है तो इस लेवल्स को ध्यान पे रखिए, दिस लेवल्स आर वेरी क्रुशियल। इस लेवल्स को ध्यान पे रख के, क्रुशियल लेवल्स को ध्यान पे रखिए एंड रख के अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करिए या ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करिए। ये बहुत बहुत मस्त दायरे पे है, अगर इसको पार कर गया तो वापस से ये ऊपर की तरफ बहुत तेजी से भागेगा क्रूड ऑयल, ठीक है। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं वीकली चार्ट की। देखिए वीकली चार्ट में अब ये थोड़ा सा हैंगओवर बना हुआ है क्रूड में, बट वीकली चार्ट में अगर ये बॉलिंगर बैंड का ये जो मिडिल बैंड है ना 6800 के करीब प्लेस्ड है, 6741 के करीब प्लेस्ड है, अगर ये इसके नीचे चला जाता है ना तो पैनिक सिचुएशन थोड़ा सा क्रूड पे ज़्यादा अराइज हो सकता है और फिर 6369 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है, ठीक है। तो जब तक 6740 के ऊपर क्रूड सस्टेन कर रहा है पैनिक बटन ऑन नहीं होगा, बट 6740 के नीचे जाता है तो क्रूड ऑयल में पैनिक बटन ऑन हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग रहते तो ये लेवल को बहुत ध्यान रखिए, हेज कर सकते हैं आप अपना पोजीशन, अगर लॉन्ग है तो पुट के साथ हेज कर सकते हैं, अगर आपने कॉल ले रखा है तो अगर ये लेवल टूटे तो आप पुट में भी एंटर कर सकते हैं। तो दीज आर द वाइटल लेवल्स जो मैंने क्रूड ऑयल का आपको बताया, तो इसको अपने ट्रेडिंग डिसीजन पे यूज़ करिए एंड अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और अगर आपको ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।